दिहाड़ी दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। शालिनी, एक ब्रेड और टोस्ट कर दो जल्दी से, मनीष नाश्ता करते हुए बोले। जी बस अभी लाई। अपनी चाय होंठों तक लाते लाते प्लेटफॉर्म पर रख शालिनी ब्रेड टोस्ट करने लगी। सबको नाश्ता करवाने में शालिनी की चाय पानी हो गई। उसने एक ही सांस में गटक ली। मनीष के ऑफिस जाने का समय हो रहा था। लीना को कॉलेज निकलना है। शालिनी किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई है। शालिनी, तौलिया कहाँ है? मनीष ने पुकारा। मम्मी, मेरी इकोनॉमिक्स की बुक देखो ना, कहीं दिख नहीं रही। आपने कहीं रखी है क्या? शालिनी ने गैस मध्यम कर मनीष को तौलिया पकड़ाया। फिर लीना की बुक ढूंढने उसके रूम में गई। ये तो रखी है बेटा, इस पर तुमने दुपट्टा रख दिया था, शालिनी ने लीना से कहा और किचन की तरफ भागी। ओह, रोटी जल गई। शालिनी ने तवे से जली हुई रोटी उतारी और दूसरी रोटी बनाने लगी। मनीष और लीना का लंच बॉक्स तैयार कर दोनों के बैग में रखा और फिर चाय चढ़ाई। मनीष ऑफिस निकलते समय एक बार और चाय पीते हैं। ये लीजिए आपकी चाय, शालिनी ने मनीष को चाय देते हुए कहा। हाँ लाओ, जल्दी किया करो, आज वैसे ही देर हो गई है। मनीष मोबाइल चेक करते हुए चाय पीने लगे। शालिनी लीना का रूम ठीक करने लगी। सारा कमरा फैला पड़ा था। शालिनी सब चीजें सलीके से लगाने लगी। शालिनी, मैं निकल रहा हूँ, मनीष का स्वर आया। जी, शालिनी ने आकर कहा। चलो अब तुम फुर्सत से टीवी देखो, तुम्हारे मजे हैं, सारा दिन मस्त फ्री रहो, जो करना है वो करो, हम तो चले सिर खपाने, मनीष ने शालिनी से कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। शालिनी बस मुस्कुरा दी। मनीष को विदा कर शालिनी ने दरवाजे की कुंडी लगाई, टेबल से चाय का कप उठाया। उसकी चाय फिर ठंडी हो गई थी, उसने पानी की तरह गटक ली। किचन समेट कर बर्तन साफ किए, फिर झाड़ू पोछा कर घर की सफाई की। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालकर कपड़ों पर इस्त्री करने लगी। इसी बीच धुले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में से निकाल कर बरांडे में सुखा दिए। शाम को मनीष को मेथी के पराठे खाना है, यही सोचकर मेथी साफ करने बैठ गई। शाम को मनीष के ऑफिस से लौटने पर शालिनी ने मनीष को चाय दी और रात के खाने की तैयारी में लग गई। उसकी चाय फिर ठंडी उसने एक झटके में गटक ली। रात को खाने की टेबल पर मेथी के पराठे देखकर मनीष ने चहक कर कहा, वाह मेथी के पराठे, मजा आ गया। शालिनी, लव यू मॉम, रियली इट्स वेरी टेस्टी, कहकर लीना ने शालिनी का हाथ चूम लिया। शालिनी को जैसे दिहाड़ी मिल गई, सारी थकान दूर हो गई। ऐसे परिवार में ठंडी चाय पीने में भी एक अद्भुत सुख मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी नई कहानी का इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।